16 साल की लड़की तो बड़ी अच्छी होती है। हाँ सब यही चाहते हैं कि 16 साल की लड़की मिले उसको, तो 16 साल हो गए आइफा को, तो आइफा भी एक खूबसूरत 16 साल की लड़की की तरह हो गई है और उसको काफ़ी प्यार से हमने यहाँ तक पहुँचाया आइफा ने और पूरी आइफा की टीम ने, और मुझे पूरा यकीन है कि 16 साल की लड़की को हम सब देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे और उनके साथ टाइम बिताना चाहेंगे। तो ये आइफा वीकेंड आप सबको मुबारक हो, और मैं चाहूँगा कि आप सब वहाँ रहें, आप सब जितने भी यहाँ मीडिया से हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द 16th आइफा इन मलेशिया। सॉरी सोनम, मेरे ख्याल से जून में वो शूटिंग कर रही है, बट मैं पूरी कोशिश करूँ कि वो भी आए हमारे साथ, और सूरज की शूटिंग है जून में, सूरज बच जाते हैं। इस बार स्पेशल क्या होने वाला है? हाँ जी, स्पेशल क्या होने वाला है? देखिए हर साल जैसे कि आप जानते हैं कि आइफा में कुछ ना कुछ स्पेशल ही होता है, और दिल खोल के खर्चा करते हैं आइफा के, जो स्टेज होता है वो खूबसूरत होता है, परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं, एंड मैंने ये देखा कि ये आइफा में जब हम वीकेंड के लिए जाते हैं, जो जितने भी मैं शोज देख रहा हूँ, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई शो है तो वो है आइफा। उसका जो उसका प्रोडक्शन वैल्यू है, उसकी जो उसका जो पूरा स्केल है, वेयर एंटरटेनमेंट इज कंसर्न, आई थिंक देयर इज नो शो विच कैन मैच आइफा। आई कैन से दैट वेरी कॉन्फिडेंटली, एंड नॉट बिकॉज आई एम अ फ्रेंड ऑफ आइफा, नॉट बिकॉज आई एम बीन एसोसिएटेड विद आइफा सिंस मेनी इयर्स, बट दिस इज बिकॉज समवेयर इवन आई एम वरिड अबाउट माय क्रेडिबिलिटी, सो व्हेन आई एंडोर्स इट एंड आई से दैट इट इज Where the scale is concerned, where the production is concerned, where the entertainment is concerned, there is nothing better than IFA. Yeah, definitely. इस साल मेरी फेवरेट फिल्म तो पीके रही है, और मुझे बहुत पसंद आई फिल्म, और इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि राजीव हिरानी साहब का मैं एडमायरर हूँ as a human being, as a director, and of course आमिर ने बहुत बढ़िया काम किया फिल्म के अंदर और बहुत कामयाब रही, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म इतनी कामयाब हुई, वाकई उसका जो मैसेज था फिल्म का वो अच्छा लगा मुझे, और एंड मैसेज के साथ मुझे हमेशा राज साहब हमेशा कहते थे कि भैया एक फिल्म ऐसी हो जो एंटरटेन भी करे और साथ में उसके साथ एक सोशल मैसेज भी हो, तो आई थिंक पी के फुलफिल्ड फॉर मी व्हाट ही यूज्ड टू से, यू नो देयर आर वेरी गुड स्मॉल फिल्म्स आल्सो शो मी, and we have to, and I congratulate all those filmmakers, and like Khoobsurat hai, Queen hai, ye choti film hai thi, Aida hai, ye choti film hai thi aur bahut achhi film hai, magar ek badi film banakar uske sath ek message banakar jab itni expectations hoti hai aur itni kamyab ho, I think that's what I think every filmmaker and every actor ultimately aspires to be, and when there is so much of expectations for that film and still it fulfills those expectations and becomes success, I think is what I think. So mere liye PK is last year ki sabse like sir, aaj Aamir Khan ke birthday hai, aapko aapko kal hai na uska birthday, kal hai, ha to kal wish karunga, main aaj kyun karu, sir abhi aapki beti ki tabiyat kaisi hai? Ha Sonam is matter of fact kal jab maine dekha Sonam ko, maine kaha Sonam you are looking your best yaar, kya kiya ये बीमारी सूट कर गई इधर को। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि 24 का शो 24 बहुत हिट गया था, वैसे अगर आपकी लाइफ में अगर आपकी 24 घंटे हुए तो आप क्या करेंगे उन 24 घंटों में? जिस तरह मैंने शिवाजी राय
जो मेरा जयसिंह राठौड़ का जो मेरा किरदार था, अगर मैं मुझे 24 घंटे मिलेंगे तो मैं वैसे ही हूँ जैसे जयसिंह राठौड़ ने 24 में किया, और अभी दूसरा सीजन 24 का मैं शुरू कर रहा हूँ और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं अपने फिल्म करियर में मैं ऑलमोस्ट 38 साल से काम कर रहा हूँ, मगर इतना एक्साइटेड मैं कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहता हूँ जब यू नो किसी फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ। और जो एक्साइटमेंट 24 से मुझे मिली, जो सैटिस्फैक्शन मुझे मिला है, और द वे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड सीजन, आई नेवर रियली बीन सो एंथुसियास्टिक। हम लगा जैसे मैं अपना करियर शुरू कर रहा हूँ दोबारा। बस ये जैसे कि जब आईफा पे आऊंगा तो शूटिंग शुरू होगी होगी, तो मैं शूटिंग छोड़ के आऊंगा आईफा। तो वहां पे आप ग्रे हेयर स्पोर्ट करोगे क्योंकि भैया जब मैं शूटिंग कर रहा था तो जितने भी वहाँ के अपने यंगस्टर्स थे, जो टीनेजर्स थे वहाँ के, वो तो यही चाहते थे कि मैं ऐसे ही घूमू फिरूँ। मगर इसी क्या होता है कि किरदार पर डिपेंड करता है कि कौन सा किरदार मैं कर रहा हूँ। तो जो किरदार मैं उस फिल्म में कर रहा हूँ, इस वक्त मैं 24 की शूटिंग कर रहा, तो आई बी इन द 24 लोग, सो अदरवाइज आई वुड लव टू बी इन दैट लोग। अभी वक्त है उसके लिए। सर थोड़ा आप पीछे एक यहाँ पे सर, एक यहाँ पे अनिल जी एक ही साइड एक मिनट। जो लेफ्ट साइड अभी आप वापस या लेफ्ट साइड में अच्छा आप नहीं हो जाते क्या कीर्ति जी आप यहाँ पे विद्युत भाई इसीलिए तेरे साइड ही करवा रहा हूँ बोलता हूँ। कीर्ति जी एक वहाँ पे हो सेंटर में वहाँ पे देखना हो गया सबसे पहले तो ये आपका पहला अवार्ड शो है, पहला साल है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एक्साइटमेंट है और आईफा के बारे में कितना जानते हैं? आई थिंक हर अवार्ड शो के लिए एक्साइटमेंट होती है एंड आईफा के लिए थोड़ी और होती है बिकॉज ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन होता है जो इंडिया से बाहर होता है एंड प्रोबेबली द ओनली अवार्ड फंक्शन जो इंडिया से बाहर होता है और सारी इंडस्ट्री जो है वो एक साथ आती है कोई किसी बाहर जगह पर। और आई एम श्योर बॉलीवुड की बहुत सारे फैंस हैं जो बाहर भी हैं तो उन्हें भी थोड़ा मौका मिलता है आके देखने का, इंटरेक्ट करने का। सो आई थिंक मेरा पहला आईफा है और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। अवार्ड फंक्शंस और बहुत सारे खत्म हो चुके हैं पर फिर भी होता है कि एक बचा है, अभी एक आईफा बचा है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शंस एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपके लिए अवार्ड कितना मायने रखता है? आई थिंक अवार्ड एक जरिया है अप्रिसिएशन का, तो ऑफकोर्स आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो खुशी तो होती है। आई वोंट से कि इट इज द ओनली वे बट हाँ अवार्ड बहुत मायने रखता है
जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका एक जो प्राइज है वो मिले. सो आई थिंक इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. तैयारियां अभी तो बस एक्साइटमेंट चल रही है, कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है. बट हाँ, मलेशिया में हो रहा है. आई हैव बीन टू मलेशिया बिफोर, बट ये वाला जो ट्रिप है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा ज्यादा मजेदार और एक्साइटिंग होने वाला है. मेरी फेवरेट इज क्वीन. आई थिंक इस साल इट इज प्रोबेबली द ओनली फिल्म जो मैंने हॉल में 3 बार जाकर देखी है, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. मैं अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाऊंगी. आई एम बट आफ्टर सम टाइम, जस्ट गिव मी सम मोर टाइम, जब सही मौका होगा मैं उनके बारे में बात करूंगी. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस एज फार एज माई करियर इज कंसर्न, एंड आई एम डूइंग फिल्म एंड आई टॉक अबाउट देम सून. अगर आपकी लाइफ में आखिरी 24 आवर्स, आखिरी 24 घंटे रहे तो आप क्या करना चाहेंगे? आखिरी 24 घंटे क्यों यार? आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट. आई थिंक हैप्पी है, एक्साइटिंग है. एक न्यू कमर के लिए जो इस फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, उसके लिए पहली फिल्म से अप्रिसिएशन मिलना और ऑडियंस एज वेल एज इंडस्ट्री से एक्सेप्ट होना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना, और मेरे जैसे के लिए तो मतलब आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो इट्स समटाइम्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. एंड इट्स कभी कभी मुझे लगता है कि एक्चुअली हो रहा है या क्या हो रहा है. मेरे साथ ऐसा बहुत अवार्ड फंक्शंस में भी हुआ है कि मैं बस बैठी हुई हूँ एंड सडनली आई जस्ट फील कि मैं ये टीवी पे देखती थी और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ. तो इट इज वेरी सरियल एंड इट्स वेरी ड्रीम लाइक इवन राइट नाउ फॉर मी. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ही डज नॉट लुक 50 एट ऑल. सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई टोटली बिलीव इन, दैट यू शुड ऑलवेज कीप द चाइल्ड विद इन योर लाइफ. सो या आई थिंक ही डज. अभी तो मैं बस एक ही फिल्म करी है, तो अभी आई थिंक बहुत सारे लोग हैं. जब एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं, स्पेशली अपनी करियर की शुरुआत में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो आई थिंक आई एम स्टिल वेरी न्यू एंड आई वुड वांट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई रियली वांट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. सो आई होप आई गेट दोज गुड अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू.